गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। क्लास शुरू करने से पहले उर्दू को मुख्तसर तौर पर जानने की कोशिश करते हैं। उर्दू ऑप्शनल का चुनाव, जैसा हमने बताया था आपको क्लास वन में, क्लास टू में भी, यानी कि वीडियो वन वीडियो टू में, एक बड़ा ही दानिशमंदाना फैसला है। और इस ऑप्शनल का इंतखाब ना कि सिर्फ सिलेक्शन दिलवाने में मदद करेगा आपको, बल्कि अच्छे रैंक सिक्योर करने में भी अहम रोल प्ले करेगा। ये बुनियादी तौर पर उर्दू को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि उर्दू को हम लोग उर्दू या लश्करी जबान के नाम से भी मौसूम करते हैं। उर्दू को हम लोग उर्दू या लश्करी जबान, लश्करी जबान के नाम से भी मौसूम करते हैं। इसकी वजह है कि उर्दू का बुनियादी फरोग या उर्दू का आगाज और इर्तका लश्करों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में या लश्करों के एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जानते हैं कि उर्दू कहाँ कहाँ की बुनियादी जबान है। उर्दू को बोलने वाले जो टोटल स्पीकर हैं या जो टोटल जबानदार हैं, उनकी तादाद कितनी है। ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिसका आपका जहन में होना ज़रूरी है। और चंद कॉमन ऐसे सवालात हैं कि जिनसे अक्सर आपका राबता होता रहता है, कोई शख्स आपसे पूछ लेता है, या एटलीस्ट आपको बुनियादी तौर पर इसकी जानकारी ज़रूरी है। ये पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज है। ये पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज है। ये इसके अलावा भारत की 22 जबानों में से एक जबान है ये, जिसका मेंशन शेड्यूल 8 में है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 में है, जहां 22 जबानें हैं और उन 22 जबानों में से उर्दू एक जबान है। इसीलिए देखेंगे आपके सिविल सर्विसेज में ना कि सिर्फ उर्दू ऑप्शनल का इंतखाब एज अ पर्चे के तौर पे आप कर सकते हैं, इसके अलावा आप चाहें तो पूरे सिविल सर्विस की प्रिपरेशन उर्दू मीडियम में कर सकते हैं। मसलन जिस तरह इंग्लिश, हिंदी या कोई अदर लैंग्वेज का सिलेक्शन करते हैं पूरा एज अ होल मीडियम, उसी तरीके से हम लोग उर्दू को एज अ मीडियम सिलेक्ट कर सकते हैं। और गुज़िश्ता सालों का जो एक्सपीरियंस है, उसमें देखा गया है कि बहुत सारे लड़कों ने उर्दू मीडियम रख के क्वालिफाई भी किया है, जिसकी जानकारी होनी आप लोगों को ज़रूरी है कि उर्दू ऑप्शनल के साथ साथ उर्दू मीडियम का भी इंतखाब किया जा सकता है। तो जैसा कि हमने बताया कि भारत की 22 जबानों में से, जिसका जिक्र हमारे आईन के अंदर में है और ख़ास करके शेड्यूल 8 के अंदर, उनमें से उर्दू एक जबान है। इसके अलावा देखते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज है ये किस किस स्टेट की। हिंदुस्तान में जितने भी स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में से खास करके बिहार, झारखंड, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बंगाल, कश्मीर एंड दिल्ली, 7 ऐसे राज्य हैं हिंदुस्तान के कि जहां की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है। और एक जबान है कि जो उर्दू के फरोग के लिए बाकायदा तौर पे काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के अंदर है, जिसको हम लोग NCPUL कहते हैं। इसको एक बार समझ लें ब्रीफ में, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। ये स्पेशल डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है MHRD के अंदर, जिसका बुनियादी काम उर्दू के फरोग के लिए या उर्दू की मजीद तरक्की के लिए या मजीद तकवीत के लिए काम करना है। कुछ और जानते हैं
एक रिसर्च के हिसाब से दुनिया की 11वीं सबसे ज्यादा बोली जबाने वाले बोली जाने वाली जबानों में से एक है, यानी कि पूरी दुनिया में, पूरे आलम में जो 11 मजबूत जबानें बोली जाती हैं उनमें से उर्दू एक है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि उर्दू एक हिंद आर्याई जबान है और खास करके जदीद हिंद आर्याई जबान है। जदीद हिंद आर्याई जबान है और इसे मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ नाम से मौसूम किया गया, इसे मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ नाम के साथ मौसूम किया गया। जैसे गुजरात के इलाके में गई तो गुजरी कहलाई, दक्कन में गई तो दक्कनी कहलाई। जब लश्कर के साथ इसने कहीं क़याम किया या लश्कर के साथ सफ़र में रही तो लश्करी कहलाई, और दिल्ली के अंदर ये ज़बानें देहलवी कहलाई या हिंदुस्तानी कहलाई। गोया ये कि जब हम उर्दू को हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी और हिंदी, ये सभी एक ही सीरीज की जबानें हैं, जब इसके साथ हम मौसूम करते हैं खास करके उर्दू के साथ हिंदुस्तानी और हिंदी को, हम क्या पाते हैं, ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जबान है। गौर करें आप लोग इस पे कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जबान है, गोया जिसके बोलने वालों की तादाद पूरी दुनिया में 700 से 750 मिलियन है, जिसे हम लोग कह सकते हैं ऐसा कि 70 से 75 करोड़। इस जबान की मकबूलियत और इस जबान की तकवीर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जबान के बोलने वालों की तादाद पूरी दुनिया में कितनी है। एक बुनियादी तौर पर इसको ध्यान में रखने की जरूरत थी, इसलिए हमने इसको शेयर कर दिया। जैसा कि हम पहले क्लास में जिक्र कर चुके थे, खास करके वीडियो 1 के अंदर, वीडियो 2 के अंदर, कि उर्दू जबान का इंतखाब कैसा है और इंतखाब अगर आपने कर लिया तो इंतखाब के बाद इसकी तैयारी कैसे होनी चाहिए, तैयारी के लिए क्या क्या माकूल इंतज़ाम है आपके पास और क्या क्या ज़रूरी मवाद फराहम होने चाहिए इन कोर्स ऑफ इंटायर प्रिपरेशन। शुरू में हमने बताया भी था आपको कि किस तरीके से इस सब्जेक्ट की तैयारी की जा सकती है और किताब का क्या रोल होता है, नोट्स का क्या रोल होता है, एक अच्छे टीचर का क्या रोल होता है, एक अच्छी कंपनी का और बाकी दीगर असबाब का क्या रोल होता है। इसके ऊपर हम लोग और बात पहले से बात कर चुके हैं ऑलरेडी, इसको ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं कि उर्दू जबान की शाख क्या होगी। शाख बहुत मजबूत वर्ड है ये, और शाख हम कहें इसको या इसको लिसानी खानदान, लिसानी खानदान या लिसानी सिलसिला, ये हर जबान के साथ जानना जरूरी है। हर जबान, मसलन अगर हम बात संस्कृत की करें, बात हम प्राकृत की करें या बात हम अपभ्रंश की करें, अपभ्रंश की करें और इससे इससे जुड़ी हुई मगरबी हिंदी वगैरह बोलियों का, उनकी शाख को जानना या उनके लिसानी खानदान का जानना नहायत ही ज़रूरी है और बुनियादी चीज़ों के साथ साथ अगर आप इसका भी जिक्र करते हैं उसके अंदर अपने आंसर के अंदर तो ये मज़ीद हेल्पफुल होता है अच्छे नंबर स्कोर करने में, इसलिए पाबंदी के साथ आप इसका एहतमाम किया करें। अब हम समझने की कोशिश करते हैं, अब देखें वैदिक संस्कृत, सबसे पहले वैदिक संस्कृत यानी कि हम अगर हम बात करें आर्यकदीम की, तो आर्यकदीम की उसमें है वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के बाद हो गया क्लासिकी संस्कृत, और क्लासिकी संस्कृत के बाद प्राकृतों का दौर शुरू होता है।
यानी कि जैसा कि संस्कृत को हमने तीन हिस्सों में तकसीम किया था या तीन अदवार में तकसीम किया था, वो क्या था? अहद कदीम को, संस्कृत को किया था हमने। संस्कृत में देखेंगे आप कि सबसे पहले हमने कहा था वैदिक संस्कृत, अदबी संस्कृत और क्लासिकी संस्कृत। और क्लासिकी संस्कृत चलो एक बार हम शजरा जानने की कोशिश करते हैं कि उर्दू अदब का शजरा कैसे संस्कृत से जाकर के मिलता है, जिसका जिक्र हमने लास्ट वाले वीडियो में किया था। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वैदिक संस्कृत के बाद क्लासिकी संस्कृत, उसके बाद दूसरा दौर शुरू होता है प्राकृतों का, जिसे हम वस्ते हिंद आर्याई के दौर भी कहते हैं। प्राकृतों का दौर शुरू होता है और प्राकृतों के बाद मगरबी हिंदी, और मगरबी हिंदी नहीं नहीं प्राकृतों के बाद दौर शुरू होता है अपभ्रंश का। और इसी अपभ्रंश में से, अपभ्रंश की पांच किस्मों में से एक किस्म थी शूरसेनी अपभ्रंश। शूरसेनी अपभ्रंश, इस शूरसेनी अपभ्रंश से वजूद होता है मगरबी हिंदी का। और इस मगरबी हिंदी की एक बोली, खड़ी बोली, मगरबी हिंदी की पांच बोलियां जो हमारे निसाब में शामिल हैं, उसकी पांच बोलियों में से एक बोली है खड़ी बोली, जो उर्दू अदब की चंद हर दिल अजीज बोलियों में शुमार की जाती है, और जो आने वाले दिनों में उर्दू अदब के वजूद का माखज बन सकी इस सभी सिलसिले से होते हुए, वह है खड़ी बोली। और खड़ी बोली से वजूद होता है उर्दू का। गोया मुख्तसर में हम ये कह सकते हैं कि संस्कृत है, संस्कृत के बाद प्राकृतों का दौर है, प्राकृतों के बाद अपभ्रंश का, और अपभ्रंश की एक बोली शोरसेनी अपभ्रंश, और उसी से मगरबी हिंदी का वजूद होता है। और मगरबी हिंदी की पांच बोलियों में से एक बोली जिसका नाम खड़ी बोली है, ये बनती है उर्दू अदब के वजूद का बाइस या माखज। अब हम देखते हैं एक और चीज, कदीम हिंद दरियाई दौर को देखें आप कि कदीम हिंद दरियाई दौर, जिसका दौर जो है वो 1500 दौरे कदीम से लेकर के 500 दौरे कदीम तक है, गोया कि ये 1000 साल दौर की तारीख है। और इसी दौर में फरोग होता है संस्कृत का, इसी दौर में फरोग होता है संस्कृत का। इसके बाद दूसरा दौर शुरू होता है, दूसरा दौर जिसको वस्ती हिंद आर्याई का दौर कहते हैं हम लोग। इसका दौर शुरू होता है 500 कदीम से लेकर के 600 ईस्वी तक, या जैसा कि हमने बताया था आपको, या 500 दौरे कदीम से लेकर के 500 दौरे कदीम से लेकर के 1000 एडी तक का ये दौर शुरू होता है। गोया ये दौर होता है 1500 का। और उर्दू अदब में तीनों दौर को लगभग लगभग 1000 साल दौर की तारीख में शुमार किया जाता है। इसलिए अक्सर हम देखिएगा कि इसमें दो वर्जन है, वस्ती हिंद आर्याई दौर का कि 500 से लेकर के 600 ईस्वी तक, यानी 500 दौरे कदीम से लेकर 600 ईस्वी तक, और 500 दौरे कदीम से लेकर के 1000 ईस्वी तक। डिटेल में हम बहस कर चुके हैं वीडियो सीरीज 2 में, आप वहां से इससे इस्तेफादा ले सकते हैं। अब आप देखें आगे कि क्लासिकी संस्कृत के बाद, क्लासिकी संस्कृत के बाद संस्कृत की मरकजियत का खात्मा हो जाता है, संस्कृत की मरकजियत का खात्मा हो जाता है। एक चीज हमेशा याद रखें, अक्सर मैं आंसर राइटिंग, उसमें जब आंसर राइटिंग करवाता हूं तो कुछ बुनियादी कमियां मैं आपके आंसर के अंदर पाता हूं, वो ये है कि अक्सर आप लिखते हैं कि नहीं कि अहद कदीम के बाद में संस्कृत का खात्मा हो गया, या अहद वस्ती के बाद प्राकृतों का खात्मा हो गया, या वैसे ही नजरिया आप अपनाते हैं जब आप अहद जदीद के बारे में लिखना शुरू करते हैं कि अहद जदीद में अपभ्रंशों का खात्मा हो गया। एक चीज हमेशा याद रखें या जहन नशी रखें कि किसी भी जबान का वजूद इत्तफाक से नहीं होता और जल्दबाजी में नहीं होता है। इसलिए किसी भी जबान के वजूद को मुस्तनदी या मजबूती अता होने में सदा साल दरकार होती है, एक मुद्दत दरकार होती है। और उस मुद्दत के दौरान, यानी कि जब भी कोई जबान अपने नशोनुमा पा रही होती है, जब कोई जबान अपने परवरिश के दौर में होती है, उसमें बहुत सारे जबानों से इस्तेफादा ले रही होती है, या बहुत सारे जबानों का एक खिलत मिलत या मखलूत जबान हुआ करती है वो,
और इसीलिए जो उसमें सबसे मजबूत जबान होती है वो बाकी इलाकाई या सूबाई जबानों से इस्तेफादा लेकर के अपने आप को मजबूत मजबूती अता करती जाती है। और हर दौर आई मीन कि हर जबान तीन दौर से गुजरती है, जैसा कि हमने संस्कृत के कंडीशन में देखा कि सबसे पहला दौर था वैदिक संस्कृत का, उसके बाद अरबी संस्कृत का, फिर उसके बाद शुरू हुआ क्लासिकी संस्कृत का, और वही क्लासिकी संस्कृत के बाद धीरे धीरे उस जबान की मरकजियत का खात्मा हो गया। इसका कतई मतलब नहीं कि जबान का वजूद खत्म हो गया, इसका मतलब कि जिस तरह इस जबान की मरकजियत 1000 सालों तक हिंदुस्तान में रही, अब उस मरकजियत को किसी दूसरे जबान ने लेना शुरू कर दिया, जो आने वाले हम देखेंगे किस तरह प्राकृतों ने लिया उसको। तो आंसर लिखते हुए हमेशा इस बात का ध्यान रखें। अब देखते हैं आगे। इस दौर के बाद में जो दूसरा दौर शुरू होता है वस्ती हिंद दरियाई का, वस्ती हिंद दरियाई के दौर में प्राकृतों का वजूद होना शुरू हुआ। प्राकृतें जिसे हम लोग कुदरती जबान भी कहते हैं, ठीक है ना, या बिल्कुल एकदम नेचुरल जबान, नेचुरल लैंग्वेज। क्या मतलब हुआ इसका कि संस्कृत धीरे धीरे एलिट लोगों की लैंग्वेज बननी शुरू हो गई, और संस्कृत का वजूद कुछ धीरे वक्त के साथ में कुछ खास फिरके, कुछ खास खित्ते या कुछ खास इलाके तक महदूद हो गया। नतीजा क्या हुआ कि इसका ताल्लुक आवाम से मुनक़ता हो गया, यानी कि एकदम बिल्कुल आवाम से ये डिटैच हो गई। और डिटैच होने के बाद उस समय बहुत सारे सियासी हालात ऐसे डेवलप हो रहे थे जिसका जिक्र हमने पिछले वाले वीडियो में किया था कि संस्कृत की मरकजियत का खात्मा करने में सबसे अहम रोल जो था वह उस समय के दो मजहबी तहरीक का था। दो मजहबी तहरीक, खास करके बुद्ध मजहब और जैन मजहब। इस मजहब की तबलीग रिसालत के लिए जो इसके रहनुमा थे, यानी खास करके महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी, इन दोनों ने उस जबान का इंतखाब किया जो जबान अवाम के बहुत करीब थी। इससे दो फायदा हुआ, एक तो इलाकाई और सूबाई जबानों को फलने फूलने का मौका मिला, और दूसरा कि अपनी बात को बहुत आसानी तक अवाम से वो अवाम के पास लेके जा सकते थे या अवाम उनसे मुखातिब हो सकती थी। ये इस तरह की कुछ सियासी तब्दीलियों के जरिए असर, इसका सीधा असर हुआ संस्कृत के ऊपर, और संस्कृत की मरकजियत का खात्मा हो गया, और उसकी जगह दिगर जबानें, दिगर इलाकाई जबानें वजूद में आनी शुरू हो गई। और जिन जबानों को मजीद तकवीत मिली महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी की मजहबी तहरीक से, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि प्राकृतें क्या थी। प्राकृतें कुदरती जबान थी, और वो कुदरती जबान आने वाले दिनों में 5 हिस्से में तकसीम हो गई, जिसको एक को हम लोग कहते हैं कि पिसाची प्राकृत, एक कहते हैं अर्धमागधी प्राकृत, एक को बोलते हैं मागधी प्राकृत, इसी तरह शोरसेनी प्राकृत और महाराष्ट्रीय प्राकृत। ब्रिप में बता दें कि ये इलाका था नॉर्मली कश्मीर और पंजाब का जो ऊपरी हिस्सा है, पिसाची वहाँ बोली जाती थी। पिसाची बहुत माकूल जबान नहीं है और उर्दू अदब में बहुत ज़्यादा अहमियत इसको हासिल नहीं है, लेकिन चूंकि अदब के दौर में, अदब की तरक्की या फरोग के दौर में इसका अहम रोल रहा है, इसलिए इसका जिक्र ज़रूरी है। इसका इसको भूत प्रेत या भूत जिन की जबान भी कही जाती है। और इसी में एक चीज़ नोट करते चलें कि पिसाची और जुनूबी जबानें जैसे कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम, याद रखिएगा, ये अक्सर इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं आपसे इसको लेकर के कि कौन कौन सी जबानें हैं उर्दू अरब में कि जो खालिस हिंद दरियाई जबान नहीं है, कौन कौन सी जबान है जो खालिस हिंद दरियाई जबान नहीं है। उनमें से एक पिसाची है, और दूसरा वो जुनूबी जबानें जो खासकर कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम हैं, ये दोनों की दोनों जबानें खालिस हिंद आर्याई जबान नहीं है। लेकिन इन जबानों की आमेजिश या इन जबानों की खूबियां महाराष्ट्रीय प्राकृत में शामिल है। आप ये देखिएगा, महाराष्ट्रीय प्राकृत जो है, जो आखिरी वाला है, आखिरी वाला, इसके अंदर इन जुनूबी जबानों की और खास करके कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम की बुनियादी खूबियां महाराष्ट्र के अंदर शामिल हैं। तो महाराष्ट्र को हम लोग हिंद आर्याई जबान में शुमार करते हैं, लेकिन
द्रविड़ी लैंग्वेज को, खास करके वो लैंग्वेज जो जुनूबी लैंग्वेज है, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम, इसको हम लोग हिंद आर्याई जबान की लिस्ट में शुमार नहीं करते हैं। आगे देखते हैं, सुनो, अब देखते हैं मागधी, मगध के आसपास का इलाका जो है, यानी कि जिसमें ज्यादातर बिहार का हिस्सा हो गया, कुछ यूपी का हिस्सा हो गया, सुनो, और उसके बीच के इलाके को अर्ध मागधी कहते थे हम लोग। इसी तरह शोरसेनी आप देखेंगे, शोरसेनी जो है यानी कि मथुरा का इलाका, और आपको बेहतर पता है कि मथुरा का इलाका जो है वह संस्कृत का, संस्कृत अदब का, हिंदू मजहब और हिंदी लिटरेचर का यानी हिंदी अदब का, और साथ में संस्कृत अदब का, और एक मजबूत तहजीब तमद्दुन का गहवारा रहा है मथुरा। इसके जेर असर इवन उर्दू अदब के अंदर भी शोरसेनी या भ्रंश का रोल बहुत अहम है, जैसा कि हमने बताया अभी आपको ऊपर कि कैसे उर्दू पहले संस्कृत से प्राकृत में जाती है, और संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश में खासकर शोरसैनी अपभ्रंश, और शोरसैनी अपभ्रंश के बाद मगरबी हिंदी, और उसी मगरबी हिंदी की एक बोली, खड़ी बोली से वजूद होता है उर्दू अदब का, जिसकी जिसके ऊपर बात कर रहे हैं अभी हम लोग। तो गोया की प्राकृतों की प्राकृतें जो कुदरती जबान थी उस समय की, आने वाले दिनों में पांच हिस्से में तकसीम हो जाती हैं, पिसाची, अर्धमागधी, मागधी, शोरसैनी और महाराष्ट्री। इसके ऊपर डिटेल में हम क्लास में कर रहे होंगे बाद में। अब एक चीज देखें, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि शोरसैनी अपभ्रंश से वजूद होता है मगरबी हिंदी का, और मगरबी हिंदी की खास करके पांच बोलियां, जिसमें से खड़ी बोली, बांगड़ू या हरियाणी, या इसी को हम लोग जाटू भी कहते हैं, और ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी। मगरबी हिंदी की इन पांच बोलियों में से खड़ी बोली ये बनती है उर्दू अदब के वजूद का बाइस या उसका माखज, और खड़ी बोली से ही वजूद होता है हिंदी अदब का। गोया मुख्तसर में हम ये कह सकते हैं, संस्कृत से एक तरफ वजूद होता है उर्दू का, और एक तरफ वजूद होता है हिंदी अदब का। ये बहुत बुनियादी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, जिसकी तहकीक, जो तहकीक के बाद सामने आई है, और अक्सर हम लोग जब उर्दू पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं से हमें ये एहसास होता है, एक लंबे करियर के बाद में, खास करके टीचिंग प्रोफेशन में, कि थोड़ी थोड़ी तंग नजरी कभी नजर आती है हमें। वो तंग नजरी इसलिए होती है क्योंकि एक तो एक काबिल रहनुमाई आपको कभी कभी नहीं मिलती है, दूसरे की जब आपका मुताला होता है तो आपका मुताला वसी नहीं होता है, और तीसरा ये कि जो आपकी कंपनी होती है या जो आपकी एक एक जो सराउंडिंग है, वो सराउंडिंग कहीं ना कहीं से आपके जेहन को बहुत ज़्यादा वाइडन नहीं होने देती है। लेकिन जब हम सिविल सर्विस की तैयारी करने आते हैं तो सिविल सर्विस में इस चीज़ की मजीद ज़रूरत होती है कि जो आपका होराइजन है या जो आपका एक ओवरऑल जो थिंकिंग परसेप्शन है, उसको बहुत वाइड किया जाए या उसको बहुत ब्रॉडन किया जाए। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है, और कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ कहाँ कर सकते हैं मैं बता रहा हूँ आपको। अक्सर क्या होता है कि वक्त के साथ में, देखिए कि हमने पंडितों के साथ में संस्कृत जबान को, हिंदी के साथ में हिंदी की जबान को, हिंदुओं के साथ और मुसलमानों को उर्दू जबान के साथ हमने शामिल कर दिया है, या एक हमने मनसूब कर दिया है या मौसूम कर दिया है कि नहीं, कि अगर ये शख्स है तो इसकी ये जबान है। हम ये कह सकते हैं, लेकिन हकीकत क्या है कि हकीकत है कि जबान की कोई भी, कोई खास बोलने वाला नहीं होते हैं, वो कोई भी हो सकता है। जहां तक बात रही उर्दू की, जैसा कि हमने साबित किया आपको कि किस तरह के संस्कृत के बतन से, संस्कृत के बतन से जहूर होता है, जहूर होता है किसका, उर्दू का और हिंदी का। गोया किसी मुस्लिम का संस्कृत के खिलाफ जाना ये उतना ही लाइल्मी और नादानिस्तगी है या नावाकफियत है कि जितना किसी हिंदू का उर्दू के खिलाफ जाना। जब हम अगर इस तरह क्वेश्चन हम लिखते हैं कि उर्दू और उसका मुस्तकबिल, उर्दू और हिंदुस्तानी समाज, उर्दू
एक मुश्तरक तहजीब, उर्दू जदीद दौर में या उर्दू की अहमियत जदीद दौर में। जदीद दौर में मज़मून के ऊपर अक्सर एक सीधा सीधा क्वेश्चन आता है आपका, इनमें से या इन जैसे टॉपिक पे। इस तरह के टॉपिक करने के लिए इस शजरे का या इस शाख का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, जो आपको मज़ीद हेल्प करेगा एक बेहतर आंसर राइटिंग में। इसलिए इस बात का ध्यान रखें आप। अब हम देखते हैं कि जिस तरह की शोरसैनी या भरण से मगरबी हिंदी का वजूद होता है, और मगरबी हिंदी की एक बोली खड़ी बोली जिससे वजूद होता है आने वाले दिनों में उर्दू का, और इसी खड़ी बोली से आप देखेंगे कि उर्दू के साथ साथ हिंदी का। इसलिए हमको लगा कि नहीं कि ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में एक बार आपको बताना चाहिए कि एक जो तंग नजरी हमारे अंदर है, उस तंग नजरी से बाहर निकल के और एक नए नज़रिए से हम ज़बान को समझने की कोशिश करते हैं कि जिससे हम हकीकी मानों में ज़बानदार बन सकें और एक नए नज़रिए की तश्कील कर सकें हम। आज हम एक खास टॉपिक लेकर के आए हैं आपके लिए। वो खास टॉपिक ये है कि बुनियादी तौर पे हमने ये समझ लिया कि उर्दू का इंतखाब कैसा है। इंतखाब के बाद हमने ये समझने की कोशिश की कि उर्दू की तैयारी कैसे की जाए। और उर्दू की तैयारी कैसे की जाए कि सीरीज में हम एक वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं, और ख़ास करके कि हिंद आर्यी ज़बान का आगाज़ और इर्तका और उसके तीन अदवार यानी कि अहद कदीम, अहद वस्ती और अहद जदीद, जिसको हमने हर तरीके से समझने की कोशिश की कि इसको दरअसल कैसे इसका मुताला होना चाहिए और कैसे एक अच्छी आंसर राइटिंग होनी चाहिए। और इसको मज़ीद हम कर रहे होंगे अपने क्लास के दौरान। अब एक नया टॉपिक है, उसके बाद उर्दू ज़बान के इर्तका से मुतालिक मुख्तलिफ नज़रियात, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे और बहुत कारगर साबित हो आपके लिए। इसलिए आप इसे बहुत गौर से सुने। इसे उर्दू ज़बान के इर्तका से मुतालिक मुख्तलिफ नज़रियात, जिससे ऑन एन एवरेज हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर साल कितने क्वेश्चन? 2 से 3 सवालात लाजमी तौर पे पूछे जाते हैं। कभी सवाल पूछ दिया गया कि उसमें प्रोफेसर मसूद हुसैन खां के नज़रिए की वजाहत करें, या उर्दू ज़बान का माखज नवाह दहली और दहली की बोलियां हैं, नवाह दहली की बोलियां हैं, इस पर मदल्लल वजाहत करें। इसी तरह किसी साल पूछ लिया गया डॉक्टर महीउद्दीन कादरी जोर के नज़रिए पे बहस करें, और डॉक्टर शौकत सब्जवारी के नज़रिए पे बहस करें, हाफिज़ महमूद शेरानी के नज़रिए पे बहस करें, या जब दक्कनी अदब की बात आती है तो दक्कनी अदब में ख़ास करके प्रोफेसर आमना खातून, सैयद सलमान नदवी और प्रोफेसर नसीरुद्दीन हाशमी वगैरह के नज़रियात उर्दू के बुनियादी नज़रियात में काफ़ी अहमियत रखते हैं या काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। उर्दू में जो नज़रिया है, ख़ास करके जो उर्दू के इब्तदा से या उर्दू के आगाज़ से मुतालिक नज़रियात हैं, वो नज़रियात 2 नज़रियात पर मबनी है। एक है कि तहकीक शुदा और एक है गैर तहकीक शुदा। गैर तहकीक शुदा का मतलब कि जैसे उर्दू अदब का वजूद हो रहा था शुरुआती दौर में, जिस समय कोई भी मुस्तनद या कोई भी साइंटिफिक या तहकीकी नज़रिया नहीं था कि जिसके बुनियाद पे पाबंदी के साथ या मजबूती के साथ ये कहा जा सके कि नहीं, उर्दू के इब्तदा से मुतल्लिक ये नज़रियात काफ़ी मुस्तनद हैं या काबिल कबूल हैं। उस समय लोगों ने क्यास आरायाँ करने शुरू की, और उन क्यास आरायों की शुरुआत होती है मीर अमन दहलवी से, जिनकी एक मशहूर किताब या जिसको मैग्नम ओपस, जिसकी एक मशहूर किताब बाग़-ओ-बहार हमारे नसाब का हिस्सा है और जिसे हम पेपर 2 में कर रहे होंगे।
तो गैर तहकीकी नजरिए की शुरुआत दरअसल मीर अमन दहलवी से होती है, और मीर अमन दहलवी के बारे में ब्रीफ में बता दें कि फोर्ट विलियम कॉलेज से इनकी वाबिस्तगी थी, और डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पे उर्दू अदब की सबसे बेहतरीन किताब लिखी इन्होंने, कि जिस किताब को हम लोग कह सकते हैं कि जहाँ से उर्दू नसर के सहलनगारी की शुरुआत हुई, और बिल्कुल आम हिंदुस्तानी जबान में, जिसमें उस समय का माशरा पूरी तरह रक्स करता हुआ नजर आता है हमें। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मीर अमन के बारे में कर रहे होंगे। बुनियादी तौर पर यह जानने की कोशिश करते हैं कि थियरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, उर्दू जबान के आगाज और इर्तका से मुतालिक नजरिए की बाकायदा शुरुआत मीर अमन दहलवी के नजरिए से होती है। अब सवाल यह है कि मीर अमन दहलवी का नजरिया क्या था? क्या मीर अमन दहलवी ने कभी तहकीक किया, या मीर अमन दहलवी ने अगर कयास किया तो कयास किस बुनियाद पर किया था? इसका जिक्र ब्रीफ में मिलता है हमें अव्याहयात के अंदर, इसका ब्रीफ जिक्र मिलता है हमें बाग बहार के अंदर में। बाग बहार में एक जगह लिखते हैं कि इकतबास के अंदर वो, कि उर्दू जो है दरअसल एक मखलूत जबान है। मखलूत जबान का मतलब कई सारे जबानों की आमेजिश है और कई सारे जबानों की शिरणी इसमें मौजूद है, इसलिए हम उर्दू को एक कोई ख़ास जबान नहीं कह करके उर्दू को जितने भी दिगर जबानें हैं तो दिगर जबानों के लफ्ज़ों की शमूलियत, उनके जो जबानी और लसानी खूबियाँ हैं उन खूबियों की शमूलियत और उन मुहावरे या बाकी उनके जो भी कवायद वगैरह हैं उनकी शमूलियत, इन सब की बुनियाद पर यह लगता है कि उर्दू दरअसल एक मखलूत जबान है और जिसके अंदर सभी जबानों की आमेजिश मौजूद है। कि उर्दू जबान के आगाज और इर्तका से मुतालिक नज़रिए की बाकायदा शुरुआत मीर अमन दहलवी ने की, और ख़ास करके बाग़ो बहार के देबाचे में लिखते हैं, जो नज़रिए से होता है। शुरुआती नज़रिए में अक्सरियत ऐसे लोगों की है कि जिनके मुताबिक उर्दू मुख्तलिफ जबानों के मेलजोल से पैदा हुई, गोया उर्दू एक मखलूत जबान है। उर्दू एक मखलूत जबान है। और जैसा हमने बताया था आपको कि जब उर्दू का बाकायदा तौर पर जब मुताला शुरू हुआ, या उर्दू अदब की हकीकत तराशी या हकीकत शनासी की जब काम शुरू हुई, उसमें दो नज़रिया हमारे सामने आए। एक नज़रिया है गैर तहकीकी नज़रिया और एक है तहकीकी नज़रिया, यानी कि रिसर्च बेस्ड अप्रोच और नॉन रिसर्च बेस्ड अप्रोच, कि जहाँ पर साइंटिफिक कंटेंट की कमी है, या आपने एक बुनियादी तसव्वुर कर लिया आपने, जो हर इंसान के अंदर एक बुनियादी खूबी होती है कि किसी भी चीज़ को देखा आपने और देख करके एक नज़रिया डेवलप कर लिया आपने, तो उस तरह के नज़रिया को हम लोग गैर तहकीकी नज़रिया बोलते हैं, जो किसी तहकीक किसी रिसर्च या किसी ख़ास पॉइंट पर मुबनी नहीं हो, जो आपके कयास पर हो, आपके तजुर्बे पर हो, या आपके पास जो बुनियादी शवाहद अवेलेबल हों उनके बुनियाद पर हो। अब वो शवाहद कितने तहकीक शुदा हैं ये कहना मुश्किल है, यानी कि तहकीक का कोई पुख्ता सबूत उस समय आपके पास नहीं होता है। इन सारे नज़रियात को हम लोग गैर तहकीकी नज़रियात में शामिल करते हैं। मसलन आप देखेंगे मीर अमन दहलवी, जिनका जिक्र अभी हमने किया यहाँ, उसके अलावा है कि इंशा अल्लाह खां इंशा, ये देखिएगा इसमें इंशा अल्लाह खां इंशा, इसके अलावा है मौलवी अब्दुल हक मोहम्मद हुसैन आज़ाद, जिनका एक किताब पढ़ना है हमको आब हयात, और नरंग ख्याल जो हमारे सिलेबस का हिस्सा भी है, नरंग ख्याल, और एक और हैं इमाम बख्श सहबाई, इमाम बख्श शाहबाई। इन सब लोगों के नज़रियात को ब्रीफ में या मुख्तसर में हम आगे कर रहे होंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर यह जान लें कि जब भी एक अच्छा आंसर लिखना चाहते हैं तो अच्छा आंसर को लिखने के लिए कुछ बुनियादी चीज़ें होनी
जरूरी है, जिनमें से एक तो गैर तहकीकी नजरिया हो गया। गैर तहकीकी नजरिया जिसकी शुरुआत मीरा मन देहलवी से होती है, जो ये कहते हैं कि उर्दू एक मखलूत ज़बान है, यानी कि दिगर ज़बानों की आमेजिश इस ज़बान के अंदर शामिल है। और इसके अलावा इंशाअल्लाह खान इंशा मौलवी अब्दुल हक, जिनको बाबाए उर्दू भी कहते हैं हम लोग, और मोहम्मद हुसैन आज़ाद और इमाम बख्श साहबाई, इन सारे नज़रियात को हम लोग गैर तहकीकी नज़रियात कहते हैं। इसके अलावा देखते हैं हम लोग कि तहकीकी नज़रिया यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस सेक्शन को ख़ास करके हम लोग डिटेल में कर रहे होंगे। जिसमें सबसे पहला नाम आता है महमूद शिरानी का, हाफिज़ महमूद शिरानी का। इसके अलावा दूसरा नाम है डॉक्टर शौकत सब्जवारी का, और तीसरा नाम है डॉक्टर महीउद्दीन कादरी ज़ोर, ठीक है ना। और चौथा नाम है इसमें प्रोफेसर मसूद हुसैन खां, प्रोफेसर मसूद हुसैन खां का नाम है ये। अक्सर जो सवालात हमसे पूछे जाते हैं वो सवालात इन्हीं चार पांच से पूछे जाते हैं, लेकिन इन पांच के अलावा भी जिनके बारे में हमने जिक्र किया, इनकी बुनियादी बुनियादी इल्म या बुनियादी वाकफियत आपके लिए लाजमी है। इससे क्या होता है कि इससे आंसर लिखने में आपको मज़ीद तकवियत मिलती है और अच्छे नंबर सिक्योर करने में हेल्प मिलता है आपको। अभी आगे हम बताएंगे कैसे सबका जानना ज़रूरी है आपके लिए। जैसा कि हमने बताया कि शुरू में कि दो नज़रियात हमारे पास हैं, एक तो तहकीकी नज़रियात और एक है गैर तहकीकी नज़रियात, और उन नज़रियात को तकवीत कहाँ से मिली है या उनको सपोर्ट कहाँ से मिला है उनके इस आइडियाज़ को, उसके ऊपर हम देखेंगे कि दर्जा बाला मुहक्किकीन से कबल इस नज़रियात पर तफसीली बहस करने वालों में डॉक्टर जॉर्ज ग्रेडसन, बहुत ही अहम नाम है ये, और ख़ास करके इंडियन लैंग्वेज के क्लासिफिकेशन या इंडियन लैंग्वेज के आइडेंटिफिकेशन के मामले में, और स्पेशली उर्दू, जॉर्ज ग्रेडसन, जिन्होंने एक किताब लिखी थी और उस किताब में कोशिश की है इन्होंने समझाने की कि दरअसल कितनी ज़बानें हिंदुस्तान में बोली जाती हैं, कितनी ज़बानें बोली जाती हैं और कितनी बोलियां बोली जाती हैं, और इनकी शाखें क्या क्या हैं, इनमें से कौन सी अंदरूनी शाख है, कौन सी बैरूनी शाख है, किस ज़बान का वजूद पहले हुआ, किस ज़बान का वजूद बाद में हुआ, कौन सी ज़बान किस ज़बान से मुतासिर हुई, कौन सी ज़बान किस खित्ते में बोली जाती थी, कौन सी ज़बान कितने लोगों के ज़रिए बोली जाती थी, इस सारी चीज़ों पे बुनियादी तहकीक जो सबसे पहले आपको नज़र आएगी वो है जॉर्ज ग्रेडसन। इनका पूरा नाम था अब्राहम जॉर्ज ग्रेडसन, है ना। इसके अलावा देखिएगा कि दूसरा नाम मिलेगा हर्नले का, और तीसरा नाम मिलेगा ग्राहम बेली, और चौथा अहम नाम मिलेगा प्रोफेसर जोल ब्लॉक। प्रोफेसर जोल ब्लॉक का आप देखिएगा कि जो डॉक्टर महीउद्दीन कादरी ज़ोर का आइडिया है उर्दू अरब को लेकर के, उनको तकवियत या उनको मवाद प्रोफेसर जोल ब्लॉक के तसनीफ़ से ही या उनके ही किताब से मिलती है। अब देखें तो जिस तरह हमने बताया कि आपको कि ग्रेडसन, हर्नले, ग्राहम बेली, जोल ब्लॉक, और इसके अलावा एक और देखिएगा आप लोग, ब्रांड निस्टेन या इसको ऐसे कह सकते हैं, ब्रांड निस्टन, इन सब ने मिलकर के कुछ ऐसे इनकशफात किए या कुछ ऐसे तहकीक किए कि जिस तहकीक की रोशनी में ये बात आया हो जाती है या ये बात वाज़े हो जाती है कि दरअसल उर्दू अदब का माखिज कौन सी ज़बानें हैं, दरअसल उर्दू अदब के वजूद से लेकर उसके आगाज़ व इर्तका में या उसका ऐसा अदब उसके फ्लोरिशमेंट में किन किन फैक्टर का अहम रोल रहा है, ये इनके साथ इन सभी लोगों के कंबाइंड रिसर्च से बात जाहिर हो जाती है। अब हम ब्रीफ में जानने की कोशिश करते हैं हमने मीरा मन देहलवी के बारे में कि उर्दू को मुख्तलिफ ज़बानों के मेल जोल का नतीजा बताया, उर्दू के इर्तका के नज़रियात का सिलसिला मीर अमन से बाकायदा तौर पर शुरू होता है, उनका नज़रिया बाग़ो बहार के दिबाचे में लिखा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये अक्सर ये सवाल आपसे इंटरव्यू में पूछ दिए जाते हैं और आप पूरी तरह स्टडी कर रहे हैं, लेकिन कुछ बुनियादी चीज़ें जो हो सकता है कि आप जानते हैं और हो सकता है आप नहीं जानते हैं, वो चीज़ें आपके जहन से स्विच कर जाती हैं, इसलिए टाइम टू टाइम क्लास में हम इस तरह की चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे ताकि वो चीज़ें आपके जहन नशी रहें और ज़रूरत पड़ने पर उनको बहुत ईजिली
अक्वायर किया जा सके। नो, इसमें दूसरा नाम है कि इंशा अल्लाह खा इंशा का। ये सब जो गैर तहकीकी नज़रिया वाले लोग हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं कि उर्दू को अरबी, फारसी और तुर्की के साथ साथ ब्रज भाषा पर मुश्तमिल करार दिया। इनका मानना था कि उर्दू जो है वो इन सब जबानों की आमेजिश है। गोया दूर से हम ये कह सकते हैं कि इनका भी नज़रिया वही है जिस नज़रिए की ताइद मीर अमन दहलवी से होती है। ताइद मीन्स, दो चीज़ समझ लें, इसका इस्तेमाल अक्सर होगा अभी आगे चल के, ताइद और तरदीद। ताइद मतलब फेवर और तरदीद मतलब रिजेक्शन। तरदीद मतलब रिजेक्शन, यू नो। तो गोया कि हम कह सकते हैं कि जिस नज़रिए की वकालत मीर अमन दहलवी ने की थी उसी नज़रिए की वकालत थोड़े अलग लैंग्वेज में या थोड़े अलग स्टाइल में इंशाअल्लाह का इंशा ने की। आगे देखते हैं कि इमाम बख्श सहबाई एक रिसाला कवायद उर्दू में लिखते हैं कि उर्दू शाहजहानाबाद में फारसी व हिंदी के खिलत मिलत से वजूद में आई। और जब हम दिल्ली कॉलेज का जिक्र कर रहे होंगे, जब दिल्ली दबिस्तान में पढ़ रहे होंगे उसमें दिल्ली कॉलेज है और अक्सर ये सवालात इंटरव्यू में पूछे जाते हैं दिल्ली कॉलेज से, और साथ में मेंस के लिए भी उतना ही यूज़फुल है ये दबिस्तान दिल्ली। जो उर्दू की चंद दबिस्तानें हैं उन दबिस्तानों में एक अहम मकाम रखता है दबिस्तान दिल्ली, ये हम बाद में कर रहे होंगे। तो इनका कहना है कि उर्दू जो है वो शाहजहानाबाद में खास करके फारसी और हिंदी के खिलत मिलत से वजूद में आई है ना। और आप दिल्ली कॉलेज में अरबी व फारसी के प्रोफेसर भी रहे हैं और 1857 के जंगे गदर में आप मारे गए है ना। आगे देखते हैं मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक का देखें कि उर्दू की इब्तदाई नशोनुमा में सूफियाए कराम का काम में लिखते हैं कि बुजुर्गान दीन और अहले मुल्क के मेल और इर्तबार से खुद बखुद एक नई जबान बनती गई जो ना हिंदी थी और ना फारसी, बल्कि एक मखलूत जबान थी जिसे हम उर्दू कह सकते थे। बुनियादी तौर पर देखा जाए तो इनका भी नज़रिया वही है जो नज़रिया इमाम बख्श सहबाई का है, मीर अमन दहलवी का है, यानी कि उर्दू जो है वो एक मखलूत जबान है और इस जबान के अंदर दीगर जबानों की आमेजिश है। इस जबान के अंदर सूफियाए कराम, बुजुर्गान दीन और अवाम, इन सब के खिदमात, साथ में सलातीन के खिदमात भी शामिल हैं। मौलाना सुलेमान नदवी, नक़्शे सुलेमानी में लिखते हैं, कि उर्दू सिंध में पैदा हुई क्योंकि मुसलमान अजकबल, सबसे कबल सिंध में ही नमोदार हुए, यानी उर्दू का हेवला वादी सिंध में तैयार हुआ होगा। ये पूरा का पूरा उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है, उर्दू का हेवला वादी सिंध में तैयार हुआ होगा, यानी उर्दू मुख्तलिफ कौमों और जबानों के मेल जोल का लाजमी नतीजा है। इनके बारे में हम बाद में कर रहे होंगे, इनके ऊपर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। ब्रीफ में ये बता दें कि इनकी जो तहकीक है या इनका जो मानना है कि जिसका कोई शवाहद अवेलेबल नहीं है हमारे पास, इसलिए हमने इनको गैर तहकीकी नज़रिए में रखा है, कि जिस वक्त मुसलमान सिंध में तशरीफ़ लाए, एक लंबे समय तक क़याम किया उन्होंने, उस क़याम के दौरान कोई ना कोई ज़बान तो साथ में लेकर के आए होंगे, और चूँकि एक फातह कौम थी वो, तो दूरअंदेशी नहीं है इस बात में, कि इस बात में कोई शक नहीं है कि हो सकता है कि जो जबान अपने साथ वो लेकर के आए हों, और चूंकि वो लोग हर मामले में यहाँ के लोगों से मजबूत थे, इसलिए उस जबान का असर धीरे धीरे यहाँ की जबानों पर होना शुरू हो गया होगा। और चूंकि मुसलमान अस्कबल सिंध के अंदर आए, उनका क़याम भी वहीं रहा और वहीं वो अगल बगल के खित्ते में घूमते रहे या सफ़र करते रहे, तो गोया कि उर्दू अदब का हेवला या उर्दू अदब की शुरुआत उन्हीं मुसलमानों के ज़ेरे असर और उन्हीं मुसलमानों के ज़रिए लाई गई ज़बान अरबी के ज़ेरे असर वादी सिंध में तैयार हुई, यानी कि सिंध के अंदर तैयार हुई, ये इनका मानना है। हालांकि बाद में इस नज़रिए की तरदीद हुई और शदीद तरदीद और मजम्मत हुई। तरदीद कैसे हुई कि जब हम इनको पढ़ेंगे फिर उस समय हम डिटेल में कर रहे होंगे। अब देखते हैं कि प्रोफेसर महीउद्दीन कादरी जोर का जैसा हमने बताया था कि उर्दू में प्रोफेसर मसूद हुसैन खां से पहले
सबसे मुस्तनद या सबसे तहकीकी नजरिया जो है उर्दू अदब में वो डॉक्टर महीउद्दीन कादरी जोर का है। इनके नजरिए की तकवियत प्रोफेसर जोल ब्लॉक से मिली, और इनका ऑब्जर्वेशन क्या था या इनकी इनका तहकीक क्या था उर्दू को लेकर के, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये कहते हैं कि जिस जबान ने सिंध में इर्तका पाई, जिस जबान ने सिंध में इर्तका पाई यानी कि सुलेमान नदवी के खिलाफ, जिस जबान ने सिंध में इर्तका पाई वो जबान उर्दू नहीं थी। फिर वो जबान कौन सी थी? तो वो जबान सिंधी थी। दूसरा नजरिया है इनका कि उर्दू पर हरियाणी व खड़ी बोली के असरात बहुत ज्यादा हैं, उर्दू पर हरियाणी और खड़ी बोली के असरात बहुत ज्यादा हैं। और तीसरा नजरिया था इनका कि उर्दू पंजाबी से निकली है, ये पहले कहते थे, मगर जल्द ही उन्होंने अपना नजरिया बदल लिया। और नजरिया बदल के क्या किया, उन्होंने ये कहा कि नहीं, उर्दू पर पंजाबी के असरात के साथ साथ उर्दू पर हरियाणी व खड़ी बोली के असरात ज्यादा है। गोया इन्होंने हरियाणी के अनसर पर या हरियाणी अनासिर पर खास करके उर्दू अदब में ज्यादा जोर दिया या मजीद जोर दिया। अब हम देखते हैं कि मोहम्मद हुसैन आजाद, ये ब्रीफ में जानने की कोशिश करते हैं, फिर एक एक करके हम डिटेल में कर रहे होंगे इस क्लास में। मोहम्मद हुसैन आजाद जिनका नजरिया हमें मिलता है आब हयात के अंदर, उसमें लिखते हैं कि उर्दू जबान ब्रज भाषा से निकली है। इसकी वजह यह थी कि अकबर आजम, जहांगीर और शाहजहां के साथ साथ अकबर के 8 रतन ब्रज के इलाके से ताल्लुक रखते थे। ये इनका अपना ऑब्जर्वेशन है इनका, क्योंकि ये इलाका जो था वह मुगल हुकूमत का इलाका था, और इसी इलाके से 8 रतन के साथ साथ जितने भी मुगल अजीम बादशाह गुजरे हैं उनकी हुकूमत इसी इलाके में रही। गोया कि एक मजबूत मजबूत इमारत के साथ साथ मजबूत जबान की बुनियाद रखी गई, और जिस जबान को आने वाले दिनों में उर्दू से मौसूम किया गया उस जबान का वजूद उसी इलाके में ब्रज भाषा के जरिए पड़ा। गोया उर्दू जो है वह ब्रज भाषा से निकली है। आगे देखते हैं प्रोफेसर मसूद हुसैन खान, इनके बारे में आज हम डिटेल में कर रहे होंगे क्लास में, इसलिए हमने सोचा कि नहीं कि ब्रीफ आउटलाइन होना चाहिए आपके पास कि तहकीकी नज़रिया कौन है, गैर तहकीकी नज़रिया कौन है, तहकीकी नज़रिए में कौन कौन से लोग हैं और उनका ऑब्जर्वेशन क्या है या उनका उनकी उनकी ज़हनियत क्या है उर्दू अदब को लेकर के। उसी तरह जो गैर तहकीकी वाले लोग हैं उनका मवाद कहाँ से मिलता है और उनके क्या क्या खिदमात रहे हैं, तो एक मुख्तसर तौर पर एक ब्रीफ तौर पर हमने जानने की कोशिश की इसको। अब हम देखते हैं कि प्रोफेसर मसूद हुसैन खां, इनकी सबसे अजीम किताब है या जिनका हम एक शोहरे आफाक किताब कह सकते हैं, वो ये है मुकदमे तारीख ज़बान उर्दू। मुकदमे तारीख ज़बान उर्दू में क्या लिखते हैं वो कि अरबों ने वादिया सिंध के क़याम के दौरान किसी नई जबान को वजूद नहीं बख्शा। गोया बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है आपको, कि आप देखेंगे उठा करके सुलेमान नदवी और जोर के नज़रिए की तर्दीद होती है। सुलेमान नदवी कहते हैं कि मुसलमान सबसे पहले सिंध में आए थे, गोया लाजमी है कि कोई ना कोई जबान अपने साथ लेकर के आए होंगे, और वह जबान कौन सी थी, तो अंडरस्टूड है कि वह जबान अरबी थी और वही अरबी जबान आने वाले दिनों में उर्दू अदब के वजूद का बाइस बने, ऐसा सुलेमान नदवी का मानना था। जिस नज़रिए की तर्दीद होती है प्रोफेसर जोर के नज़रिए से, प्रोफेसर जोर कहते हैं कि नहीं नहीं कि जिस जबान को सुलेमान नदवी ने अरबी समझ लिया था दरअसल अरबी नहीं थी बल्कि वह सिंधी जबान थी, और उस नज़रिए की मजीद तर्दीद होती है प्रोफेसर मसूद हुसैन खां के नज़रिए से, जो ये कहते हैं कि नहीं मुसलमानों ने और ख़ास करके अरबों ने सिंध के क़याम के दौरान किसी नई जबान को वजूद नहीं बख्शा। अब सवाल यह है कि फिर वो कौन सी जबान थी, अगर दोनों के नज़रिए को तर्दीद किया है तो उस तर्दीद के बाद अपने नज़रिए की तायद में क्या क्या पेश किया इन्होंने, इसको हम आगे जानने की कोशिश करते हैं। क्या लिखते हैं ये कि उर्दू का असल सरचश्मा व मुंबा, उर्दू का असल सर चश्मा और मुंबा जबान देहलवी और जबान देहली व पीरामुनश है
और हजरते देहली इसका हकीकी मौलिद व मंशा। अक्सर यूपीएससी आप देखिएगा उठा करके कि गुज़िश्ता सालों के अंदर में गुज़िश्ता सालों में यूपीएससी ने हर अल्टरनेट ईयर पे इस क्वेश्चन को पूछा है, हर अल्टरनेट ईयर पे इस क्वेश्चन को पूछा गया है। गोया की क्वेश्चन बहुत ही बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी का, और चूंकि जदीद तहकीक के बुनियाद पर पेश किया गया ये पहला तकवी और पहला मुस्तनदी नज़रिया है, इसलिए इसका जानना भी हमारे लिए लाजमी है। तो क्या कहते हैं कि न केवल सलमान नदवी और प्रोफेसर जोर के नज़रिए की तरदीद करते हैं, बल्कि वो ये कहते हैं कि दरअसल जिसको आज हम उर्दू कहते हैं उसका असल सर चश्मा और मुंबा जबान देहलवी व पिरामिनश है, और हजरत देहली इसका हकीकी मौलिद व मंशा, यानी कि ना कि इस जबान की परवरिश और ना कि इस जबान का वजूद किसी दूसरे इलाके में हुआ है, बल्कि देहली की सरजमीन पर हुआ है और देहली के अगल बगल के इलाकों में हुआ है, और ना ही इस जबान पर खासकर उर्दू जबान पर किसी दूसरे जबान के असरात हैं, बल्कि देहलवी के करीब या दिल्ली के करीब बोले जाने वाले जबानों के असरात सीधी तरह नजर आते हैं उर्दू अदब पे। गोया उर्दू अदब जो है वो एक देहलवी जबान है और देहली के अगल बगल में बोले जाने वाले जबानों की आमेजिश इसमें सीधे तौर पे पाई जाती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हजरत देहली इसका हकीकी मौलिद है, यानी कि हकीकी जो वालिद है इसका, ये हकीकी पैदा करने वाला है, वह हजरत देहली है। और हजरत देहली से मुराद हम आगे क्लास में कर रहे होंगे अभी इसी लेक्चर में। और उर्दू का असल सर चश्मा यानी कि जहां से उर्दू अदब का सही में वजूद हुआ है वो है जबान देहली। अब जबान देहली क्या है, आइए थोड़ा इसको जानने की कोशिश करते हैं। जबान देहली में वो कहते हैं हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा और मेवाती, इन चार बोलियों को वो कहते हैं कि ये देहली व पिरामिनश की बोलियां हैं। इसको हम डिटेल में कर रहे होंगे अभी आगे। इसके अलावा देखते हैं प्रोफेसर ज्ञानचंद का। प्रोफेसर ज्ञानचंद जो उर्दू अदब के सबसे अहम शख्सियतों में से एक हैं और जिनके खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं उर्दू अदब की दुनिया में, जबान और लिसान को लेकर के भी इनका तहकीकी काम सामने आया है कि जिसमें उनका मानना है उसी नजरिए की तरदीद करते हुए नजर आते हैं कि जिस नजरिए की वकालत प्रोफेसर मसूद हुसैन खां अपने तारीखी किताब यानी कि मुकदमे तारीख जबान उर्दू में करते हैं। वो कहते हैं कि नवाह देहली की बोलियों को उर्दू का माखज बताया है, यानी कि वही नजरिया कि जो प्रोफेसर हुसैन का नजरिया था उस नजरिए की को मजीद तकवीत या उस नजरिए को मजीद तईद वो मिलती है प्रोफेसर ज्ञानचंद के नजरिए से। एक और नजरिया जानते हैं महमूद शेरानी का। महमूद शेरानी के मुताबिक उर्दू पंजाबी से निकली है और इस नजरिए की तईद शेर अली खान ने एजाज सुखन में भी की है। जैसा हमने बताया था कि तईद मतलब कि सपोर्ट करना और तरदीद मतलब रिजेक्ट करना। गोया कि जो नजरिया इनका है महमूद शेरानी का नजरिया है कि उर्दू पंजाबी से निकली है और इस नजरिए की तईद शेर अली खान ने एजाज सुखन में भी की है, और हम इसी में देखेंगे जब हम इसको फाइनल कर रहे होंगे कि इस नजरिए को सपोर्ट मिलता है ग्राहम बेली। ग्राहम बेली का झुकाव भी उर्दू के पंजाबीपन की तरफ है। तो जब भी हम कुछ इस तरह का कोई आंसर लिखने की कोशिश करते हैं या जब भी समझने की कोशिश करते हैं तो जो शुरू में जो हमने बताया था जो बुनियादी तहकीक हुई है उर्दू अदब में वो अब्राहम गुलेरसन की तरफ से हुई है, हरनले की तरफ से हुई है, ब्रांड निस्टेन की तरफ से हुई है, और ग्राहम बेली एंड प्रोफेसर जोल ब्लॉक, ये पांच ऐसे नाम हैं कि जिस नाम के बगैर उर्दू अदब की तहकीक पूरी नहीं होगी, इसलिए इनका जिक्र बार बार आएगा और ये आपको जहन नशी होने चाहिए आपको ये नाम। अब देखें एक और नाम देखते हैं डॉक्टर शौकत सब्जवारी का। डॉक्टर शौकत सब्जवारी लिखते हैं कि दास्तान जबान उर्दू में, ये इनकी एक बेहतरीन किताब है, कि उर्दू खड़ी बोली से तरक्की पाकर बनी है। उर्दू जो है वह खड़ी बोली से तरक्की पाकर बनी है। देहली और मेरठ के नवाह में 11वीं सदी ईस्वी में बोली जाती थी, खास करके वो बोली, यानी कि इनका नजरिया यह है डॉक्टर शौकत सब्जवारी का कि उर्दू जो है वह खड़ी बोली से तरक्की पाकर के बनी है, और वो खड़ी बोली जो देहली और मेरठ के नवाह में या उसके अगल बगल के इलाकों में 11वीं सदी ईस्वी में बोली जाती थी।
डॉक्टर आमना खातून सुनो, दक्कनी की इब्तदा, इनकी एक मशहूर किताब है दक्कनी की इब्तदा, दक्कनी की इब्तदा सुनो, उन्होंने दक्कनी को उर्दू से अलहदा जबान करार दिया है जो दक्कन में ही पैदा हुई और यही नशोनुमा पाकर परवान चढ़ी है। मतलब उनका मानना है कि जिसको हम लोग करते हैं आने वाले दिनों में, आप देखिएगा उठा करके, हमारे यहाँ कंसेप्ट है कदीम उर्दू और जदीद उर्दू, कदीम उर्दू और जदीद उर्दू, हम इसके ऊपर बाद में बहस कर रहे होंगे क्योंकि एक लंबा सेक्शन है अपने आप में और बहुत ज़्यादा समय लेगा ये कि कदीम उर्दू और जदीद उर्दू। अक्सर ये सवाल आपसे इंटरव्यू में पूछ दिए जाते हैं या कोई भी उर्दू का दाना शख्स आपसे ये सवाल पूछ देता है कि कदीम उर्दू और जदीद उर्दू में बुनियादी फ़र्क क्या है, और अफसोस की बात है कि हम में से ज़्यादातर लोग नहीं बता पाते हैं। हम इसके ऊपर एक स्पेशल लेक्चर लेंगे जहाँ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। डॉक्टर आमना खातून कहती हैं कि नहीं, जो अक्सर उर्दू दां या उर्दू के तहकीक शुदा लोग ये कहते हैं कि दरअसल जो दक्कन की उर्दू है वह कदीम उर्दू है, तो ये उस बात की तर्दीद करती हैं और वह मज़ीद कहती हैं कि नहीं, कि दक्कन में जो ज़बान पैदा हुई है दरअसल वो उर्दू ज़बान नहीं थी, वो दक्कनी ज़बान है जिसका वजूद वहीं हुआ, जिसकी नशोनुमा वहीं हुई और जिसकी तरक्की भी वहीं हुई। जनो एकदम बिल्कुल अलहदा नज़रिया है इनका। एक और नाम देखते हैं इसी तरह दक्कन के सिलसिले में, मौलवी नसीरुद्दीन हाशमी। उर्दू एक मखलूर ज़बान है, उनका लसानियात से कोई गहरा रिश्ता नहीं था, और इसीलिए आप देखिएगा कि उठा करके जितने भी इस तरह के नेम हैं उन सारे नेम को हम लोग गैर तहकीकी नज़रिए में शामिल करते हैं। यानी कि जब हम दक्कनी उर्दू की बात करते हैं, दक्कनी उर्दू की बात करते हैं, जिसमें आप देखिएगा तीन नाम बहुत अहम हैं, सलमान नदवी, डॉक्टर आमना खातून एंड प्रोफेसर नसीरुद्दीन हाशमी। ये तीन नाम जो हैं ये बहुत ही अहम नाम हैं और इस नाम का जिक्र बार बार आएगा, इसलिए इसको लेकर केयरफुल रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक आखिरी नाम देखते हैं इस सिलसिले में कि डॉक्टर सुहेल बुखारी। डॉक्टर सुहेल बुखारी जो खड़ी बोली को उर्दू का असल करार देते हैं, एक सिंपल इस सारा का सारा नज़रिया जो है वह गैर तहकीकी नज़रिया है, लेकिन ब्रीफ में जानना ज़रूरी है आपको। अभी हमने देखा कि इससे पहले किसी और शख्स ने कहा था कि उर्दू जो है वह खड़ी बोली से तरक्की पा करके बनी है, वो किस शख्स ने कहा था? अभी आप देखें, अभी हमने पढ़ा इसको, उर्दू खड़ी बोली से तरक्की, डॉक्टर शौकत सब्जवारी। अब देखें डॉक्टर शौकत सब्जवारी के नजरिए की तायीद कहां से होती है? डॉक्टर सुहेल बुखारी के नजरिए से होती है। तो इस तरह का जब भी कोई इंटर रिलेशन आएगा, उस इंटर रिलेशन में आपको मजीद कॉशियस होने की या केयरफुल होने की ज़रूरत है। ठीक है ना, अब हम बुनियादी तौर पे करते हैं, मुख्तसर तौर पे, चूँकि ज़्यादा वक्त नहीं है। प्रोफेसर मसूद हुसैन खां का नज़रिया बहवाला मुकदमे तारीख़ ज़बान उर्दू। जैसा हमने बताया था आपको बुनियादी तौर पर कि उर्दू के इब्तदाई नुक्ता नज़र से और ख़ास करके जब उर्दू के आगाज से मुतालिक मुख्तलिफ नज़रियात हम पढ़ते हैं, उस नज़रियात में दो बहुत ही माकूल नज़रिया हमारे सामने आते हैं जो साइंटिफिक होते हैं और शवाहिद की बुनियाद पे होते हैं, जिसमें सिर्फ क्यास आराइयाँ नहीं होती हैं और करीने क्यास नहीं होता है। जैसे जो सबसे पहला और अजीम नाम है वह है प्रोफेसर महीउद्दीन कादरी ज़ोर का, और दूसरा सबसे अहम नाम है प्रोफेसर मसूद हुसैन खां का। प्रोफेसर मसूद हुसैन खां को करने से पहले थोड़ी सी ब्रीफ में जानने की कोशिश करते हैं इनके बारे में। ठीक है, हम पढ़ते हैं इनको मुकदमे तारीख ज़बान उर्दू के हवाले से, और ये किताब जैसा कि हमने मेंशन किया था पेपर वन के अंदर में, बहुत ही ज़रूरी किताब है और वक्त मिले तो इस किताब का मुताला ज़रूर करें, और नहीं तो अगर आपका जुड़ाव हमसे है तो हम चाहते हैं कि आप इस चैनल को देखें और आप इसे सब्सक्राइब भी करें आप लोग और शेयर भी करें। और उर्दू पे अगर मज़ीद आप कोई हेल्प चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं हमारे चैनल के ज़रिए से या हमारे कोचिंग के ज़रिए से। कुछ लाजमी मालूमात जो बुनियादी तौर पे जानने ज़रूरी होते हैं और अक्सर हम लोग सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, गोया इन सब सारी चीज़ों को हम लोग दिगर मालूम में करके हम इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। और यकीन जानिए कि उर्दू ऑप्शनल होने पर अक्सर सवाल आपसे इंटरव्यू में उर्दू के हवाले से पूछे जाते हैं, और ऐसे सवाल के जो
बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव नहीं है, खास करके ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि स्टडी के दौरान हम इस तरह के सारे एंगल को डिस्कस करते चलें कि जो एक कम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन के फॉर्मेट में आए, ना कि एक यूनिटरी प्रिपरेशन हो कि हमने सिर्फ मेंस के लिए पढ़ लिया हमने, और अब फिर अगर इंटरव्यू कॉल हो गया तो फिर आप इंटरव्यू में जा करके अब दोबारा पढ़ रहे हैं उसको उर्दू को लेकर के, तो बहुत ज़्यादा हॉज पॉज या स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में आपका जहन चला जाता है। तो इन सारे नोशन से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम जो बुनियादी चीज़ें हैं जहाँ से पॉसिबिलिटी बन सकती है ऐसे, या ऐसे इम्कान है कि जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसको हम लोग करेंगे धीरे धीरे एक एक करके। आइए इनके बारे में कुछ करते हैं। लाजमी मालूमात क्या है कि माहिर लसानियात होने के साथ साथ नामवर मुहक्किक, नक्काद और अच्छे शायर भी थे। लोगों को खबर नहीं है इनके बारे में कि अच्छे शायर भी थे ये, और कितने अच्छे शायर थे इसका नमूना आप देखिएगा कि रूप बंगाल और दो नीम इनके शेरी मजमूए हैं। रूप बंगाल और दो नीम इनके शेरी मजमूए हैं। हैदराबाद के क़याम के दौरान कदीम उर्दू के नाम से एक तहकीकी जरीदा भी जारी किया था इन्होंने। उसके अलावा कि पेरिस यूनिवर्सिटी में या यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में लसानियात में डीलिट की डिग्री हासिल की, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर व सदर शोबा भी रहे। मेरे ख्याल से उर्दू अदब के जो नामवर महक्किकीन हैं या नामवर तहकीक नगार हैं, उनमें से डिलीट करने वाले शायद ये पहले शख्स हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बाकी आप कंफर्म कर सकते हैं, है ना। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रहे और सदर शोभा भी रहे। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के, जो दिल्ली में वाक़ है, उसके वाइस चांसलर भी रहे, यानी वीसी रहे उसके, ठीक है ना। इसके साथ साथ उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी सरफराज किया गया। ये थी इनकी बुनियादी जानकारी, है ना। अब इसको हम आगे जानने की कोशिश करते हैं इनके बारे में अदब के हवाले से, है ना। इनका सबसे अहम कारनामा जो है वो मुकदमे तारीख ज़बान उर्दू है। क्या है? मुकदमे तारीख ज़बान उर्दू है, जिसमें उर्दू के आगाज़ और इर्तका के मसले पर मदलल बहस की गई है ना। ये किताब अपने नौवियत की पहली किताब है ना, यानी कि हम कह सकते हैं इनका कि तहकीकी मुताला है इनका ये ना। जैसा हमने शुरू में कहा था कि प्रोफेसर जोर के बाद ये पहले शख्स हैं कि जिनका तहकीकी मकाला वाकई में तहकीक की बिना पर है, और इसमें जो चीज़ें बोली गई हैं उनके लिए मजबूत शवाहिद पेश किए गए हैं, मजबूत एविडेंसेस पेश किए गए हैं, और इससे इनके नज़रिए को मज़ीद तकवीत मिलती है ना। और यही वजह है कि इनका नज़रिया जदीद तहकीक नगारों में सबसे ज़्यादा काबिल कबूल है और काबिल एहतराम भी है ना। इसके बाद आप देखेंगे कि इन्हीं के एक शागिर्द थे मिर्ज़ा खलील अहमद बेग, जिसकी किताब हम लोग पढ़ते हैं उर्दू की लसानी तश्कील। उर्दू की लसानी तश्कील यह है मिर्ज़ा खलील अहमद बेग, मिर्ज़ा खलील अहमद बेग ये इनके शागिर्द थे इनके, और जो किताबें लिखी गई हैं मुकदमे तारीख़ ज़बान उर्दू, इस किताब का फर्दर, इसमें इनके बहुत सारे नज़रिए की तायीद और बहुत सारे नज़रिए की तरदीद, यानी इसी किताब को आधार बना करके उर्दू की दूसरी सबसे जदीद अहम लसानी किताब लिखी गई है, जिसका नाम है उर्दू की लसानी तश्कील, जो मिर्ज़ा खलील अहमद बेग की लिखी हुई है ना। जैसा तहकीकी मकाला लिखा है ना, जो एएमयू में पीएचडी के लिए पेश किया गया था ना। प्रोफेसर खान डॉक्टर जोर के बाद वह पहले मुहक्किक हैं जिन्होंने उर्दू ज़बान के आगाज़ के बारे में साइंटिफिक नुक्ता नज़र पेश किया था। ये बुनियादी चीज़ें हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बेसिक इंग्रेडिएंट। बेसिक इंग्रेडिएंट्स किसी भी आंसर के अंदर इनका होना बहुत लाजमी है। आप कितना भी आंसर लिख दें और उस आंसर के अंदर बेसिक इंग्रेडिएंट नहीं है, यानी कि बुनियादी तौर पर किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, तब तक वो आंसर एक इफेक्टिव और एक कामयाब आंसर नहीं शुमार किया जाएगा। इसलिए ठीक है ना, इसका जिक्र ज़रूर करें आप कि डॉक्टर जोर के बाद वो पहले ऐसे मुहक्किक हैं कि जिन्होंने उर्दू ज़बान के आगाज़ से मुतल्लिक साइंटिफिक नुक्ता नज़र पेश किया, ठीक है ना। और अपनी तसनीफ में उर्दू के पंजाबी ज़बान से माखूज होने के नज़रिए की तनकीद की है ना। उन्होंने कहा कि नहीं, कि जिस तरह अभी तक के जो उर्दू को पंजाब से या पंजाब के इलाके से मौसूम किया गया है, दरअसल ये अपने आप में खोखला आइडिया है और बगैर किसी शवाहिद के इसको पेश किया गया है। ये कंप्लीट कयास आराइयों पे काम किया गया है, जिसकी कोई बुनियाद, जिसका कोई भी शवाहिद हमारे पास अवेलेबल नहीं है।
करो। तो इस नजरिए की तनकीद की है, तनकीद मतलब तरदीद की है उन्होंने इस नजरिए की, है ना। अब आप देखेंगे कि अगर क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं कि वो कौन से शख्स हैं या कौन से मुहक्किक निगार हैं या कौन से मुहक्किकीन हैं कि जिन्होंने उर्दू के पंजाबी पंस के नज़रिए की तरदीद की है या उसकी शदीद मजम्मत की है, उसमें एक नाम प्रोफेसर खान का भी आएगा। अब केयरफुल रहें इसको। और दक्कनी की लसानी खसूसियात का नवाह दहली की बोलियों के साथ तकाबिल करके एक नए नज़रिए की तश्कील की है। दक्कनी की लसानी खसूसियात का नवाह दहली की बोलियों के साथ में, है ना। दक्कनी की लसानी खसूसियात से मतलब हो गया हमारा कि कदीम उर्दू। एक चीज़ का जिक्र करते चलें कि कदीम उर्दू का मतलब होता है कि 1200 से लेकर के, यानी कि खास करके 1200 से नहीं कह सकते, 1300 से लेकर के 1700 के दक्कन में जो उर्दू का फ़रोग हुआ, है ना, और जितने भी सारे सलातीन के या सूफिया कराम की खिदमत रहे जिनका जिक्र हम एक एक करके कर रहे होंगे बाद में दक्कनी दबिस्तान में, है ना, उन सारे के सारे पूरे पीरियड को, यानी कि 500 साल पीरियड को दक्कनी उर्दू के हम लोग कदीम उर्दू के नाम से मौसूम करते हैं। तो अगर कोई ब्रीफ में पूछे आपसे कि कदीम उर्दू और जदीद उर्दू में क्या फ़र्क है, तो कदीम उर्दू का मतलब हो गया कि दक्कनी उर्दू और ख़ास करके वो उर्दू कि जिसका आगाज़ और इर्तका 1300 से लेकर के, यानी कि 1300 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी के दरमियान जो हुआ है, क्योंकि 1700 उसमें 1686 और 87 में गोलकुंडा और बीजापुर को फतह करके औरंगज़ेब के ज़रिए फिर से दिल्ली के अंदर शामिल कर लिया जाता है, और उसके बाद दक्कन का और शुमाल का, यानी कि जुनूब का और शुमाल का रिश्ता फिर से एक हो जाता है, और उसके बाद जो अदब की तरक्की होती है ख़ास करके जो पोस्ट औरंगज़ेब एरा है, उस एरा को हम लोग जदीद उर्दू के नाम से मौसूम करते हैं। प्रोफेसर प्रोफेसर मसूद हुसैन खां का पहला काम क्या था, जो हमने बताया आपको कि पहले ऐसे मुहक्किक हैं डॉक्टर जोर के बाद जिन्होंने उर्दू अदब को लेकर के या उसके बुनियादी नज़रिए को लेकर के साइंटिफिक नुक्ता नज़र पेश किया। इसके अलावा दक्कन की जो लसानी खसूसियात है, उस लसानी खसूसियात को नवाह दहली की बोलियाँ, इनका मानना था कि उर्दू एक नवाह दहली की बोली है और हज़रत दहली इसका हकीकी मौलिद व मुंशा, यानी कि उन कदीम उर्दू की लसानी खूबियों का मुकाबला इन्होंने नवाह दहली की बोलियों के साथ किया और इससे एक नए नज़रिए की तश्कील की। वो नया नज़रिया क्या था, आइए इसको जानते हैं। उर्दू की इब्तदा का सुराग पाने के लिए उन्होंने नवाह दहली की बोलियों की अहमियत पर जोर दिया है, जैसे हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा और मेवाती, ये चार बोलियां हैं जिसको वह नवाह दहली की बोलियों में शुमार करते हैं, जिसको नवाह दहली की बोलियों में शुमार करते हैं। कदीम डकनी जबान में हरियाणी ही एक ऐसी जबान है जो जिला दहली में आज भी बोली जाती है, और आज भी बोली जाती है, और उर्दू अदब पर इसके काबिल कदर असर रहे हैं, ठीक है ना। और यही बोलियाँ उर्दू का माखज़ भी बनती हैं, यानी मुख्तसरन, ठीक है ना, कि उर्दू जो है वह ब्रज भाषा, हरियाणी, खड़ी बोली से मिलकर बनी है, और यही बोलियाँ दक्कन में ज़बान दहली की शक्ल में पहुँची थी, ठीक है ना, यही बोलियाँ दक्कन में ज़बान दहली की शक्ल में पहुँची थी। अब एक बात समझने की ज़रूरत है यहाँ पर, या गौर फिक्र की ज़रूरत है, वो ये है कि जो कदीम उर्दू की हम बात करते हैं, कदीम उर्दू का मतलब कि दक्कनी उर्दू और ख़ास करके वो उर्दू की जिसका फ़रोग 13वीं सदी से लेकर के 17वीं सदी तक होता है, लेकिन जो 500 साल पीरियड होता है, उस 500 साल पीरियड में जो भी उर्दू का फ़रोग या जो भी उर्दू की नशोनुमा या जहूर पजीरी होती है, उसको हम दक्कनी उर्दू या कदीम उर्दू कहते हैं। दक्कनी उर्दू में, दक्कनी उर्दू का जब नवाह दहली की बोलियों के साथ जब मुकाबला या तकाबल करना शुरू किया, मुकाबला करना शुरू किया, तो इन्होंने पाया कि दरअसल दहली की जो ज़बानें हैं, यानी कि नवाह दहली की जो ज़बानें हैं, वही ज़बानें दक्कन में मौजूद हैं, है ना। और ऐसा क्यों कहा गया कि आगे हम देखेंगे कि कैसे वहाँ जमा बनाने का तरीक़ा, फ़ेल मुज़ारा बनाने का तरीक़ा, और उसमें जमा से वाहिद बनाने का तरीक़ा, है ना, और इस तरह के जो भी कवायदी तौर पे या सरफी या नहवी तौर पे जो बुनियादी खूबियाँ थी, वह सब खूबियाँ एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। गोया कि जिस ज़बान को हम दो हिस्से में तकसीम कर देते हैं आने वाले दिनों में, ख़ास करके कदीम उर्दू और जदीद उर्दू में, तो
तो कदीम उर्दू के अंदर नवाह दिल्ली की बोलियों की सारी खूबियाँ पाई जाती हैं, या इन बोलियों की सारी आमेजिश पाई जाती है, इसका कवायदी, नहवी, सौती, सरफी, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ वहाँ की बोलियों में पाया जाता है। गोया इससे एक चीज़ वाज़ह हो जाती है और बिल्कुल साफ हो जाती है कि दरअसल उर्दू जो है वो नवाह दिल्ली की बोलियों से मिलकर ही बनी है, खास करके ब्रज भाषा, हरियाणी, खड़ी बोली और मेवाती से। और हजरत दिल्ली जो है वो सही मानों में उर्दू का हकीकी मौलिक व मुंशा है। तो जबान दिल्ली व पूरा मुंश उर्दू का असल मुंबा मुंबा व सरचश्मा है, और हजरत दिल्ली इसका हकीकी मौलिक व मुंशा। हू बहू ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन आ जाएगा सिंपल सा, ये स्टेटमेंट दे दिया और इस कॉल की वजाहत करें या मुदल्लल वजाहत करें, मुदल्लल वजाहत करें। और जैसा कि हमने शुरू में बताया कि शुरू में बताया हमने आपको कि अभी तक जितना हमने मुताला किया, आपने देखा कि हर शख्स किसी न किसी नज़रिए को आधार मान करके, किसी न किसी नज़रिए को बुनियाद मान करके अपना एक नज़रिया पेश करता है। वह हकीकत की बुनियाद पे हो, गैर हकीकत की बुनियाद पे हो, शवाहिद की बुनियाद पे हो या गैर शवाहिद की बुनियाद पर हो, कि तो उस नज़रिए को फर्दर एक्सटेंड करता है, यानी कि उस नज़रिए की तायद करता हुआ नज़र आता है या उस नज़रिए की तर्दीद करता हुआ नज़र आता है। अब सवाल यह है कि उर्दू के पंजाबीपन के नज़रिए की तनकीद आपने की, उर्दू के पंजाबीपन के नज़रिए की शदीद मजम्मत आपने की, आपका जो नज़रिया था, इस नज़रिए को जो बुनियादी तहकीक से आपको पता चला, खासकर प्रोफेसर खान को, कि दरअसल जो दक्कनी उर्दू है, दक्कनी उर्दू के अंदर वो सारी खूबियाँ मौजूद हैं जो दहलवी ज़बान के अंदर मौजूद हैं। यानी कि जब उर्दू की इब्तदाई शक्ल सूरत में जब दहली की बोलियाँ मौजूद हैं, तो इससे अंदाज़ा लगता है कि नहीं, कि दरअसल उर्दू की वजूद का बाइस ज़बान दहली की बोलियाँ ही हैं। लेकिन इस नज़रिए को तकवीर कहाँ से मिलती है इनको, तो प्रोफेसर खान को आप देखेंगे ज़बान दहलवी पिरामिंश की रोशनी में अमीर खुसरो की मसनवी होती है न सुपर, ठीक है ना, अमीर खुसरो की मसनवी होती है न सुपर, ठीक है ना, जिसमें 12 ज़बानों का जिक्र है, उसमें से एक ज़बान लाहौरी भी है और दूसरी ज़बान है दहलवी पुरामिंश, पिरामिंश देखिएगा, जिसमें अमीर खुसरो के ज़बान में 12 ज़बानों का जिक्र किया गया है, ठीक है ना, जिसमें से एक लाहौरी है और दूसरा है कि ज़बान दहलवी पुरामिंश। इससे मुराद ज़बान दहलवी और उसके नवाह की खड़ी बोली और हरियाणी है, और इसी पर प्रोफेसर मसूद हुसैन खां का नज़रिया कायम है। वह लिखते हैं कि उर्दू का ढांचा खड़ी बोली पर तैयार हुआ है, ठीक है ना, इसको मजीद समझने की कोशिश करते हैं और अच्छे तरीके से, ठीक है ना। अब देखें, इससे मुराद ज़बान दहलवी और इसके नवाह की खड़ी बोली और हरियाणी है, खड़ी बोली और हरियाणी है। और ब्रज भाषा में चूंकि मुगलिया हुकूमत का ज़्यादातर हिस्सा ब्रज के इलाके में गुजरा है, ना, इस नज़रिए की तायद पहले भी हो चुकी थी, तो मज़ीद इस नज़रिए को तकवीत दिया उस ब्रज भाषा के नज़रिए को प्रोफेसर मसूद हुसैन खान ने, और खड़ी बोली वो हरियाणी, ठीक है ना, और इसके अलावा कि ज़बान दहलवी व पिरामिंश जिसका जिक्र उनकी मसनवी यानी कि अमीर खुसरो की मसनवी नसुभर में था, ठीक है ना, इससे हवाला लेकर के और अपने नज़रिए को दक्कनी उर्दू के साथ में मुशाबियत करके मज़ीद तकवीत अता करते हैं और ये बात साबित करने की कोशिश करते हैं कि दरअसल जिसको हम लोग इब्तदाई उर्दू या कदीम उर्दू कहते हैं, वह कदीम उर्दू या इब्तदाई उर्दू के अंदर वह सारी खूबियाँ मौजूद हैं जो ज़बान दहलवी की खूबियाँ हैं, ठीक है ना, और ज़बान दहलवी की खूबियों से मुराद ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी और मेवाती है। वो लिखते हैं उर्दू का ढांचा खड़ी बोली से तैयार हुआ है, उर्दू का ढांचा जो है वह खड़ी बोली पर तैयार हुआ है, और खड़ी बोली के दो रूप बताते हैं, एक रूप जो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ में बोली जाती है, और दूसरा रूप जो बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद के ज़िले में बोली जाती है, जिसे प्रोफेसर
मसूद हुसैन खां उर्दू से करीब तरीन ख्याल करते हैं, यानी कि जो दूसरी वाली, जो खास करके आप देखेंगे खड़ी बोली का जो दूसरा वाला रूप है, यानी कि खड़ी बोली वो जो खास करके बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद के इलाके में बोली जाती है, वो उर्दू के ज़्यादा करीब है, उर्दू के ज़्यादा करीब है। खड़ी और दक्कनी, खड़ी और दक्कनी की सौटी, सरफी, ममासलतें वो इस तरह गिनवाते हैं, यू नो, जैसा आप देखेंगे मिसाल के तौर पे कि दक्कनी उर्दू की तरह खड़ी बोली के दरमियानी हे गिरा दी जाती है, जैसे कहाँ, दरमियानी हे गिरा, जैसे कहाँ हो गया, कहाँ, कहाँ से हो गया का, ठीक है ना, इस तरह आप देखेंगे कभी से हो गया की वगैरह, यानी कि जो खूबियाँ दक्कनी उर्दू में पाई जाती हैं वही खूबियाँ हु बहु खड़ी बोली के अंदर पाई जाती हैं। और चूंकि दक्कनी, ये बात साबित हो चुकी है कि दक्कनी उर्दू उर्दू का इब्तदाई रूप है या उर्दू का कदीम रूप है, जिसे हमने कदीम उर्दू कहा है, ठीक है ना, और उसकी सारी खूबियाँ खड़ी बोली के अंदर पाई जाती हैं, गोया ये कि उर्दू के अंदर खड़ी बोली का बहुत ही अहम रोल है और उर्दू ने बहुत हद तक खड़ी बोली के बुनियादी खूबियों से इस्तेफादा किया है। और चूंकि खड़ी बोली जो है वो देहली व पिरामिंश की बोली है, इसलिए उर्दू को वो देहली व पिरामिंश की बोली बताते हैं, है ना। फिर इस तरह आप देखेंगे कि बुनियादी तौर पे कि खड़ी में अक्सर रॉ की जगह, है ना, ये लगाया जाता है, रॉ की जगह ढ लगाया जाता है, है ना, जैसे, ठीक है ना, जैसे ये ड हो गया, ड की जगह देखिएगा ढ कर दिया हमने, है ना, यानी कि जो बुनियादी खूबी है दक्कनी उर्दू के अंदर और ज़बान देहलवी के अंदर में, वह सारी खूबियाँ हम यहाँ देखते हैं। यहाँ पर जो खूबियाँ दक्कन की भी हैं, जैसे देखिएगा बुढ़ा, बुढ़ा हो गया ना, ठीक है ना, तो बुढ़े की जगह हो गया बूढ़ा, यानी कि ड जो है वो ड उसमें ड में तब्दील हो गया, यानी कि ये ड जो है वो ड में तब्दील हो जाता है, ये है ना। इस तरह आप देखेंगे दक्कन और मेरठ व मुजफ्फरनगर सहारनपुर में जमा बनाने का तरीका, जैसे देखिएगा आ, ठीक है ना, और व के इजाफे से होता है, जैसे दना, औरता और खेता, ये तरीका दक्कन में भी राइज है और ये तरीका ज़बान देहलवी की बोलियों में भी राइज है। इसी तरह आप देखेंगे कि मराठी जबान के बाज़ लसानी असरात को छोड़कर दक्कनी उर्दू के तमाम अल्फाज नवाहे दिल्ली की तीन बोलियों, यानी ख़ास करके हरियाणी, खड़ी बोली और ब्रज भाषा से की जा सकती है, ठीक है ना। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि मराठी जबान की खूबियाँ जो मराठी प्राकृत में थी और उसमें मराठी प्राकृत या मराठी अपभ्रंश में थी, और उसके अंदर जुनूबी जबान की जो चार बोलियाँ हैं, जो चार क्लासिकल लैंग्वेज हैं, खासकर जिसको हम लोग ड्राविडियन लैंग्वेज कहते हैं, जिसमें से कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम, तो ये चारों के चारों खूबियाँ जम हो गई महाराष्ट्री के अंदर या मराठी जबान के अंदर में। गोया ये जबान है दिल्ली की जबान में मराठी का शुमार सीधा सीधा नहीं होता है, उसके अलावा दक्कनी जबान की सारी खूबियाँ जबान दिल्ली की खूबियों में शामिल नज़र आती हैं। इससे ये आसान हो जाता है कहना कि उर्दू जो है वो जबान है, उर्दू जो है नवाह दिल्ली की बोली है या दिल्ली की दिगर बोलियों की आमेजिश है। अब देखें, इस तरह ये साबित हो जाता है कि हरियाणी ने कदीम उर्दू की तश्कील में हिस्सा लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा आप लोग इसको, हरियाणी ने कदीम उर्दू की तश्कील में हिस्सा लिया। खड़ी बोली का क्या रोल है, तो खड़ी बोली ने जदीद उर्दू का खाका तैयार किया, यू नो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल राइटिंग योर आंसर, यू नो, हरियाणी ने कदीम उर्दू की तश्कील में हिस्सा लिया, खड़ी बोली ने जदीद उर्दू का खाका तैयार किया और ब्रज भाषा ने उर्दू का मायारी लबो लहजा तैयार करने में मदद की। आप आंसर लिखते हैं और आंसर लिखने के दौरान अगर इसका जिक्र नहीं होते हैं तो ये एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, तो कोशिश करें आप इसको कि एकदम बिल्कुल ये आपके पिन पॉइंट पर होना चाहिए, ये आपका बिल्कुल हैंड टिप्स पे हो आपके। ये क्या किया कि हरियाणी ने कदीम उर्दू की तश्कील में हिस्सा लिया, खड़ी बोली ने जदीद उर्दू का खाका तैयार किया और ब्रज भाषा ने उर्दू का मायारी लबो लहजा मुतय्यन करने में मदद की और मेवाती ने कदीम उर्दू पर अपने असरात छोड़े।
इन जबानों का लिसानियाती तज्जिया प्रोफेसर मसूद हुसैन खान से पहले किसी ने भी पेश नहीं किया था, याद रखिएगा। यानी कि लिसानी तज्जिया करने वाले साइंटिफिक तरीके से प्रॉपर शवाहिद की बुनियाद पर ये पहले शख्स हैं। ये तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर शख्स के बारे में कुछ यूनिक चीज़ें होती हैं और एग्जामिनर आपसे वही चीज़ जानना चाहता है, आपके आंसर में उसी चीज़ की उम्मीद करता है, जिससे आपकी वहदानियत और आपकी मुमताजियत बरकरार रहे और जिससे वो शख्स जो आंसर लिख रहा है इससे उसकी भी ज़हानत का अंदाज़ा लग सके कि नहीं कि आपने दरअसल में उस गहराई या उस गहराई से मुताला किया है या नहीं किया है। इसलिए कभी भी आप आंसर लिखने के दौरान जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, खासकर जिसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, उसको बहुत ज़्यादा गौर करके इसके ऊपर अमल करें। तो लिसानी तज्जिया पेश करने वाले ये पहले शख्स हैं और इसे पहली बार प्रोफेसर खान ने लिसानियाती और साइंटिफिक अंदाज में पेश किया है, प्रॉपर मदलल अंदाज में। जैसे लिखते हैं कि कदीम उर्दू की तश्कील बराह रास्त हरियाणी के जेर असर हुई है, इस पर रफ्ता रफ्ता खड़ी बोली के असरात पड़ने शुरू हो जाते हैं और जरिया दुरुस्त होती है, जरिया दुरुस्त होती है। आगे एक और स्टेटमेंट लिखते हैं, ये दो तीन इकतबास हमने दे दिया है। अक्सर यूपीएससी क्या करती है कि कभी कभी सीधा सीधा इकतबास आपको दे देती है और उस इकतबास के जरिए से क्वेश्चन पूछती है आपको कि इकतबास दे दिए गए, इस इकतबास के जरिए से इनकी जो भी नज़रिए हैं उन पर मदलल वजाहत करें, ठीक है ना, उसकी तनकीद करें, उसकी तायीद करें, या अपना नज़रिया पेश करें, मदलल बहस करें, या तनकीदी नज़रिया पेश करें, वगैरह वगैरह क्वेश्चन उस इकतबास से। इसलिए हमने दो इकतबास आपको मेंशन कर दिए हैं। इस तरह ज़बान दहलवी, ज़बान दहली व पिरामंश उर्दू का असल मुंबा व सरचश्मा है और हज़रत दहली इसका हकीकी मौलिद व मंशा। आप एक चीज़ देखें, ये जो हमने अभी लिखा है यहाँ पे, ये ठीक है ना, ये देखिएगा बिल्कुल शुरू में, ये खूब ध्यान से देखें आप लोग इसको। हमने क्वेश्चन यहाँ से शुरू किया था कि ज़बान दहलवी पिरामिश उर्दू का असल मुंबा व सरचश्मा है और हज़रत दहली इसका हकीकी मौलिद व मंशा। ये क्वेश्चन यूपीएससी का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एटलीस्ट हर साल नहीं तो अल्टरनेट ईयर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंटरव्यू का बड़ा फेवरेट सेक्शन है ये, अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि एक जितने एकेडमिकली कम्पिटेंट रहे हैं उतने ही कम्पिटेटिवली कम्पिटेंट भी ये रहे हैं, तो ये बड़ा फेवरेट सेक्शन है और सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो जैसे हमने शुरुआत यहाँ से किया है इनके इस स्टेटमेंट से, और सवाल ये है कि अगर मदलल बहस करना हो या तनकीदी नज़रिया पेश करना हो या अपना नज़रिया पेश करना हो, तो देखिए जिस स्टेटमेंट से हमने शुरू किया है इसी स्टेटमेंट पर हमने ख़त्म किया है इसको। यहाँ देखिए, इस तरह ज़बान दहलवी पुरामंश उर्दू का असल मुंबा व सरचश्मा है और हज़रत दहली इसका हकीकी मौलिद व मंशा, जो सरासर हकीकत पर मुबनी है। इस तरह प्रोफेसर खान ने उर्दू ज़बान व अदब की गिराकत खिदमत अंजाम दी है, शेर व अदब की दुनिया में उनके कारनामे काबिल तहसीन व नाकाबिल फरामोश रहेंगे। अब एक और यूनिक चीज़ देखते हैं हम लोग और इसके बाद इस क्लास को ख़त्म करते हैं। देखा है उनके नज़रिए की तायीद, जैसा हमने बताया था कि तायीद का मतलब फेवर, कि उनके नज़रिए को किन किन लोगों ने फेवर किया है। जोल ब्लॉक और डॉक्टर जोर, प्रोफेसर जोल ब्लॉक और डॉक्टर जोर के नज़रिए की तहरीरों से उनकी तायीद होती है। कैसे? क्योंकि इन दोनों लोगों ने क्या कहा है उर्दू के हरियाणी असरात के ऊपर, अगर आप याद करें तो उर्दू के हरियाणी असरात के ऊपर। लेकिन एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है कि प्रोफेसर जोर ने पहले उर्दू के पंजाबीपन पर ज़्यादा जोर दिया, बाद में उनके नज़रिए में थोड़ी मैच्योरिटी आई या थोड़ी सी उनकी दानिशगी में मज़ीद इजाफा हुआ और उसके ज़ेर असर उन्होंने उर्दू के ऊपर पंजाबी के साथ साथ हरियाणी के असरात भी कबूल किए। हमारा यहाँ मकसद पंजाबी से नहीं है बल्कि हरियाणी से है। सो याद रखें इसको आप लोग कि उनके नज़रिए की तायीद अगर पूछी जाए तो प्रोफेसर जोल ब्लॉक और प्रोफेसर और डॉक्टर जोर की तहरीरों से होती है। इन दोनों के नज़रिए हरियाणी तक महदूद हैं। प्रोफेसर जोर के नज़रिए हरियाणी और पंजाबी तक हैं, जबकि प्रोफेसर मसूद हुसैन खां का नज़रिया इससे ऊपर है, यानी कि ब्रज भाषा, हरियाणी, खड़ी बोली, मेवाती व दिगर दहली के शुमार में, दिगर दहली के नवाह में बोली जाने वाली बोलियां। हरियाणी मवाद के लिसानियाती तज़ियों को तहकीकी कसौटी पर परखने का काम बाकायदा तौर पर प्रोफेसर मसूद हुसैन खां ने ही अंजाम दिया और हरियाणी के मुतालिक उन्होंने अपना एक मुस्तकिल नज़रिया पेश किया। और वह नज़रिया कैसे पेश किया कि जब दक्कनी अदब को, खास करके जब कदीम उर्दू का मुकाबला जब वो
हरियाणी के कवायद से सल्फी सहवी सवती और नौवीं लेवल पे जब करना शुरू करते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं कि दोनों की दरअसल दोनों जबानें एक ही हैं, यानी कि लिसानी तजिए पे परखने का काम या लिसानी तजिया करने वाले हरियाणी के ऊपर पहले शख्स हैं प्रोफेसर मसूद हुसैन खां। तरदीद की जहां तक बात रही यानी कि उसमें इनका इनके नजरिए के खिलाफ जाने की बात है तो अभी तक कोई ऐसा शख्स हमें नहीं मिलता है कि इस नजरिए की तरदीद करता हुआ नजर आए। हो सकता आप में से कोई हो आने वाले दिनों में, फिलहाल अभी तक कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ है। और कुछ चीजें इनके बारे में बता दें कि जो यूनिक लगी हमको और जिसका आपका जानना जरूरी है कि लसानी तहकीक वो साइंटिफिक शाहिद या शवाहिद पेश करने वाले पहले शख्स हैं ये। उसके अलावा आप देखिएगा कि हरियाणी के ऊपर हरियाणी जबान पे लिसानी तजिया पेश करने वाले हरियाणी जबान पर लिसानी तजिया पेश करने वाले ये पहले शख्स हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि डक्कनी उर्दू वो देहलवी उर्दू, देहलवी उर्दू खास करके जो नवाए दिल्ली की बोलियां हैं, नवाए दिल्ली की बोलियां हैं, इन बोलियों पे यानी कि इन दोनों के बीच मماثلت और इन दोनों का बुनियादी तौर पे मुताला करने का सबसे पहला काम प्रोफेसर मसूद हुसैन खान ने शुरू किया। इसके अलावा ये बताते हैं कि कैसे हरियाणी ने कदीम उर्दू की तश्कील में हिस्सा लिया, भरत भाषा ने मजीद उर्दू की तश्कील में हिस्सा आई मीन की जदीद उर्दू की तश्कील में हिस्सा लिया और खड़ी बोली ने उर्दू का मयारी लबो लहजा मुतय्यन करने में मदद की। हम उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। और इसको अगर अच्छा लगे तो आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें आप, ठीक है ना। और इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी और द कोचिंग, ठीक है, स्पेशली कोचिंग के एंड इसको यहीं ख़त्म करते हैं इसको। और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अच्छे से तैयारी करें। खुदा हाफिज़।